मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां वह भाजपा की आयोजित जनसभा में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को आप अपना आशीर्वाद देकर दमोह के विकास का हमें अवसर दीजिए। इस दौरान रामाकोना में सीएम जनसेवा शिविर में मुख्यमंत्री चौहान ने जन कल्याणकारी योजनाओं की हकीकत जानने के लिए मंच पर कलेक्टर को बुलाकर समीक्षा की। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड की हकीकत जानने के लिए सीएम शिवराज ने स्टेज पर कलेक्टर को बुलाया। जिले में कितने आयुष्मान कार्ड बने हैं और कितने आयुष्मान कार्ड पेंडिंग हैं, इसको लेकर कलेक्टर के सामने सीएम ने छिंदवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया को बुलाया, लेकिन मौके पर डॉक्टर चौरसिया मौजूद नहीं थे। तभी मंच से सीएम उन्हें माइक के जरिए आवाज देते रहे, लेकिन करीब 5 मिनट तक वो वहां नहीं पहुंच सके। इसके बाद छिंदवाड़ा एसडीएम अतुल सिंह सीएमएचओ को ढूंढकर लाए, जिसके बाद उन्होंने सीएम को सारी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले, इसके लिए हर गांव में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अगर कहीं पर भी कोई अधिकारी इस पर लापरवाही करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंच से ही कलेक्टर से उन्होंने सारी योजनाओं की जानकारी भी ली। सुन ले, अगर कोई वंचित रह गया हो तो चुनाव के बाद यहाँ सीएम जनसेवा के अंतर्गत अभियान के अंतर्गत शिविर लगेगा। अगर जायज गरीब कोई छूट गया हो तो नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिलवा देना, नाम जोड़ दूंगा, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। सबको राशन मिले, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी तो सबको चाहिए भैया। और इसलिए राशन मिल जाए, दूसरी चीजें मकान की, मैंने पट्टे की बात कही है, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान आए थे उसमें कांग्रेस की नगर पालिका ने अन्याय किया है, और इसलिए फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना की एक योजना बंद कर दी। आखिर संबल योजना में क्या, मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है।